करहरबारी में गुरुवार को आरोग्य मंदिर का उद्घाटन विधि पत्र रूप से किया गया। यहां स्थानीय मुखिया सहारा खातून एवं मुखिया प्रतिनिधि मुमताज अंसारी, प्रखंड प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सचिन कुमार, बीपीएम ओम प्रकाश शर्मा, बीएम विमल कुमार पाठक, स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर स्नेहा कुमार, उप मुखिया लखन चौधरी, पंचायत समिति सदस्य मनोज दास, वार्ड सदस्य राबिया बानो, पंचायत सहायक मोहम्मद मुश्ताक अंसारी, वार्ड सदस्य बबीता देवी की उपस्थिति में संयुक्त रूप से फीता काटकर इसका उद्घाटन हुआ। बताया गया कि यहां आरोग्य मंदिर खुल जाने से आसपास के मरीजों का निःशुल्क इलाज हो पाएगा, साथ ही लोगों को गांव से दूर शहर जाने की परेशानी से भी राहत मिलेगी। स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन समारोह सम्पन्न हो गया मुखिया जी की कर कमलों द्वारा, जिसमें सदर अस्पताल से डॉक्टर सचिन साहब भी तशरीफ लाए थे। और इस इलाके में इस पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र था ही नहीं, पब्लिक का बहुत डिमांड था, लेकिन आज इस पंचायत में ग्रामीणों की मान सम्मान के साथ ये सपना साकार हुआ और ये जनता के ग्रामीणों के बीच ग्रामीणों के समर्पित किया गया उप स्वास्थ्य केंद्र। और पूरे ग्रामीणों को डॉक्टर साहब ने बताया कि किस तरह का लाभ यहाँ से लेना है। और हम तमाम ग्रामीणों से आग्रह करते हैं, छोटी बड़ी जो बीमारी है आप आकर के यहाँ डॉक्टर साहब बैठेंगे 10 बजे से लेकर 3 बजे तक, आप आएँ और आप दिखलाएँ और उनका लाभ उठाएं। आयुष्मान आरोग्य मंदिर करहरबारी का शुभारंभ किया गया। इस उद्घाटन समारोह में मुखिया, माननीय मुखिया जनप्रतिनिधि एवं करहरबारी की जनता उपस्थित। करहरबारी का ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर करहरबारी पंचायत की स्वास्थ्य की सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएगा, जिनमें मुख्य रूप से बीमारियों का इलाज है, ओपीडी सर्विसेज दी जाएंगी, यहाँ से पूरे पंचायत का टीकाकरण संचालित होगा एवं अन्य स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ दी जाएगी। दिन के समय में जो कुछ भी इमरजेंसी होगी उसका भी फर्स्ट एड यहाँ से किया जाएगा। और इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग इस बारे में प्रयत्नशील है कि निकट भविष्य में हम लोग यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी की व्यवस्था करेंगे और जो कुछ भी और कार्यक्रम सरकार की आएंगी उनको हम लोग यहाँ से संचालित करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि पूरे पंचायत की स्वास्थ्य सुविधाओं को देने में हमारा ये केंद्र नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान जीडी बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की चौथे बैच की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिसर झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर।